लोखंडी जी के पैर छूने की क्या जरूरत है? अरे पर लोखंडी जी जैसे दिखे उनके पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो, यही तो मुझसे कहा था पीसी सर ने। तो परिस्थिति अलग थी ना बेटा, तब वो बहन बनने वाली थी, अब ये माँ बनी हुई है। अरे पर सर आपको बताना चाहिए था ना, मुझे मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा ठीक 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 है, लेकिन ये कोई आशीर्वाद हुआ? पीती रहो बेटी पीती रहो। अब बैठ, कालिया को क्या डांट रहे, आप क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? सब भूल गए आप? मैं क्या करूं बेटा, वो लोखंड वाला का चेहरा देखो। लोखंडे लोखंडे डैड, अंडे को याद रखो, लोखंडे याद रहेगा। लोखंडे 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 देखता हूँ मेरे को कुछ हो जाता है। कशी चांगली वाटत माणस, देखो ना माता जी कितनी हसमुख है, हंसते रहती है। और पिताजी भी बहुत नेक इंसान लगते हैं। सत्य और ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाले लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? वही तो। फिर भी मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगा। हाँ? इतने जल्दी? अरे मेरी प्यारी लाडली बेटी जो हो, मैं लोगों को अच्छी तरह से परखने के बाद ही निर्णय लूंगा, समझे? मगरमच्छ, इडियट, कोई इस तरह से किचन के अंदर आता है? जिससे बहन बनाना था उसे तूने माँ बना दिया। दीपक मेरे भाई क्या कर रहा है यार? शुक्र कर कुछ तो बनाया, तो बहन का क्या करेंगे? अरे है ना उसके थिएटर में जो एक्ट्रेस है ना, वो तुम्हारी बहन बनने वाली है। अच्छा, और वो शाम को 6 बजे तक आ रही है? 6 बजे? इतना लेट? बहुत देर हो गई, तीनों अंदर गए, एक भी बाहर नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं अंदर? क्या बाबा, चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे होंगे ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा ही देर हो रही है। चलो चलो चलो, एक मिनट, क्या ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? मालपाली आंटी का वीडियो मैसेज देख। मैं तो इस घर के बाहर का हूं ना। अच्छा अच्छा, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, सुनते ही मैं खुशी के मारे पागल हो गई कि मुझे पीसी की पत्नी बनने का मौका मिल रहा है। और तुम्हारी माँ आ रही है। फॉरन फोन लगाओ और इसे कह दो कि वो यहाँ ना आए। अभी कर फॉरन फोन लगाओ। नमस्ते। नमस्ते बहू। एक मिनट, आप पहले ये बताइए आप है कौन? बताती हूँ। हाँ बैठ गई भैंस पानी में। पहले मुझे इस चांद के टुकड़े को तो मिल लेने दो। इट्स ऑल ओवर, खेल खत्म हो चुका, मैं जा रही हूँ, आप लोग भी चले जाओ। अरे खेल तुम्हारा। पता है जया, इस घर की किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारी जैसी बहू के शुभ पैर पड़े इस घर में। और जैसे इस घर की किस्मत अच्छी है ना, वैसी तुम्हारी भी किस्मत बहुत अच्छी है कि इस जन्म में तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिला। वरना कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है पर उनको उनका सच्चा प्यार नहीं मिलता। बहन जी, आप ये तो बताइए आप है कौन? बताती हूँ भाई साहब। जय ने बहुत अच्छा किया कि वक्त आने पे इस घर की बहू ले आया। निकल गई, हाँ छोड़, अरे ये निकल गई। वरना कुछ लोग तो वक्त के मोहताज होते हैं, उनका प्यार उनके आगे पीछे घूमता रहता है पर उनको मिलता नहीं। तुम्हें मिला ना?
उसे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। अरे बहन जी, लेकिन आप है कौन? बताती हूँ भाई साहब, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारी और जय की जोड़ी पे उनका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जोड़ी के बगैर इंसान इंसान नहीं, जोड़ी के बगैर इंसान अधूरा है, जोड़ी के बगैर इंसान अकेला रह जाता है और पूरी जिंदगी ठंडी सांसें भरते 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 निकल जाता है। अरे उसको निकलने दो, लेकिन आप है कौन? सही सवाल भाई साहब। भाई साहब, आपको यहाँ पूछना था ये सवाल कि मैं हूँ कौन? हाँ, तो जवाब दीजिए। मैं हूँ आपकी बेटी की होने वाली सास। क्या कहा? हाँ, मैं हूँ जय की माँ। अब कुछ नहीं बचा, अब तो चलिए 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 चलिए। फिर से कहिए अभी जो कहा वो। ठीक है। हाँ, मैं हूँ जय की माँ। जय। मेरा बेटा। हटिए भाई साहब, मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, आज अपनी माँ के गले लग जा। भाई साहब, एक सेकेंड, अब मैं बताती हूँ। ये जो नीली शर्ट में खड़ा है ना, इसकी माँ। ये मेरा बेटा, इसकी माँ। ये मेरे जिगर का टुकड़ा, इसकी माँ। वापस बोलूं? बस। अब आप कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ मैं बोलूंगा। ये आपने क्या कहा था? आप इनकी माँ हैं? हाँ, मैं हूँ जय की माँ। अब आप, आपने क्या कहा था? आप भी इनकी माँ हैं? हाँ। बोला था कि नहीं? हाँ। हाँ। अब आप प्रेमचंद जी? उनका नाम प्रेमचंद नहीं है, उनका नाम तो, अरे मालूम है मुझे, इसे पीसी कहते हैं। आप प्रेमचंद जी? मैं प्रेमचंद का एक पीसी। पीसी पीसी बोलिए, ये दोनों महिलाएं क्या कह रही हैं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम सब समझ गए हैं, बड़े आए थे दो का ज्ञान देने। क्या कह रहे थे हमें? दो रास्ते होते। दो वाले? हाँ, कहा था यहाँ पे आपने, दो रास्ते होते, एक सच्चाई का और एक ईमानदारी का। ये आपके दो दो रास्ते? अरे आप तो द्विपत्नी इंसान है, धन्य हो गए आपसे मिलकर। मुझे एक बात बताइए पीसी, दो दो बार साथ फेरे लेते हुए आपके पैर लड़खड़ाए नहीं? और आप? हाँ हाँ, बहन जी आप। मैं? इस कुकर्म की साझेदार आप भी थी? तो बताइए आपने ये सब होने कैसे दिया? मैं पूछ रहा हूं, बताइए।
इस त्रिकोणीय विवाह के आप भी एक कोना थी। अरे आप हंस रही है? नहीं, रो रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझसे तो जैसा कहा गया मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। क्यों किया? ये भारतीय रीति रिवाज और न्याय शास्त्र के विरुद्ध है। बोलिए, जवाब दीजिए। बस बहुत हो चुका, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा। सुनो, अरे लगता है बहन जी के साथ ही अन्याय हुआ है। रुला दिया ना आपने? मैंने रुला दिया बिचारी को, रुला दिया। अरे आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, बताइए। हाँ हाँ, वो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, पर क्या करूं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप एक काम करिए ना, एक दूसरा सवाल पूछिए, उसका जवाब देती हूँ। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये क्या कह रही है? कौन ये है? अरे ये तो चली गई। तू किधर जा रहा है? जी मैं देख रहा था कि वो कहाँ गई। कुछ देखने की जरूरत नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, तो इस गठबंधन के ऊपर तुमने प्रश्न क्यों नहीं उठाए? अपराध करने वालों से अपराध सहन करने वाला ज्यादा अपराधी होता है, समझे? बताओ, जवाब दो मुझे। जी वो पिताजी ने कुछ नहीं किया तो क्या? जब इस बात पे पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात कैसे कर सकता हूं? कितने असभ्य लोग हैं यहां, आमने सामने चले गए सब। जय जय माय बॉय, आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी मोहब्बत खतरे में आई है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें अकेला जीना सिखा दूंगी। मैं जानती हूं तुम्हारा दर्द, मैं जानती हूं तुम्हारा दुख। जब इंसान को अपनी सच्ची मोहब्बत ना मिले ना, तो उसे क्लब मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। क्लब में जा जाकर वक्त कहां बीत जाएगा उसे पता तक नहीं चलेगा। And don't worry, इस कंट्री के जितने भी मसाज पार्लर्स हैं, उन सब का नंबर मैं तुमको दूंगी, ताकि दर्द क्या है वो तुम्हें कभी पता ना चले। जय जय जय, देखो तुम परेशान मत हो, देखो धीरे-धीरे सब बदल जाता है। लाइफ ऐसी है, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज अ लेसन, लेसन इज लाइफ, एंड लाइफ तुम्हें बताओ, व्हाट इज लाइफ विदाउट अ लेसन? 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 जय, ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा। मेरा ही आइडिया था गरीब बन के नाटक करने का, सब उल्टा पड़ जाएगा ये पता नहीं था। याद है आपने मुझसे एक बार क्या कहा था डैड? आपने कहा था कि सच्चे प्यार की फितरत ही होती है इम्तिहान लेना, और मैं इस इम्तिहान में फेल नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए।
जया मेरी होके रहेगी। अब दो मिनट भी मैं यहां नहीं रह सकता, चलो। बाबा आप एक बार बात तो कर लीजिए। किससे बात करूं? दीवारों से बात करने के लिए सामने कोई होना तो चाहिए, और बात करने के लिए बचा क्या है? चलो चलो जया। क्या बोलेगा? उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चलो सुधाकर। जय, क्या तुम ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो? चल जया, चल। जय, वहां चुप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। काका, आपने बुलाया मुझे? रिक्शा निकालो। ए नौकर, तो जाके ड्राइवर से कहते कि गाड़ी आराम से चलाए, और मुझे आंखें क्या दिखा रहा है? तू नौकर है ना, नौकर को नौकर नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? ए! ये नौकर नहीं है, ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। बस यही तो आपसे बुलवाना चाहता था बाबा। मैं जानता हूं बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब एक नौकर को नौकर, ड्राइवर को ड्राइवर, वेटर को वेटर, दरबान को दरबान कहते तो बुरा लगता है। ठीक उसी तरह एक दाई को दाई कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। जिसे आप मेरे पिताजी की दूसरी बीवी समझते हैं ना, वो उनकी दूसरी बीवी नहीं है, वो मेरी दाई माँ है। बाबा, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, और जिस देश में गंगा बहती है उस देश के नौकर को रामू नहीं, रामू काका कहते हैं। उस देश के ड्राइवर को रहीम नहीं, रहीम चाचा कहते हैं। कमला को घर की बाई नहीं, कमला मौसी कहते, और शांता को धोबन नहीं, शांता बेन कहते। ठीक उसी तरह दाई को दाई नहीं, दाई मां कहते हैं। और हम तो उन्हें दाई मां भी नहीं बाबा, हम तो उन्हें सिर्फ मां कहते हैं। आप जानना चाहते हैं ना कि मेरी दो मां कैसे हैं? एक वो मां जिसने मुझे जन्म दिया, और एक वो मां जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन मेरे लिए तो दोनों मां ही है बाबा। जय, नहीं पिताजी, नहीं 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 नहीं, नहीं। आज नहीं, आज तो इन्हें बताना जरूरी है। फिर झूठ मत बोलो, फिर झूठ मत बोलो। मैं कहां था? यहां। बाबा आप तो ये भी जानना चाहते हैं ना, मैंने सबके सामने आपके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो करने के लिए मुझे सबके सामने दाई मां को दाई कहना पड़ता। अब सोचिए उन्हें कितना बुरा लगता बाबा।
मेरे पिताजी की दो बीवियां नहीं है बाबा, बल्कि मेरी दो माँ है। अच्छा है, प्रेमचंद जी, मैंने आपके चरित्र पर प्रश्न उठाए, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमारी गलत फैमिली है। हमारी वजह से आपको गलत फहमी हुई। नहीं नहीं देवियों, मुझसे पाप हुआ है, आपसे ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए थे, मुझे माफ कर दीजिए। सुधाकर जी, हाँ, मैं भी आपसे माफी मांगता हूं, मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा। सुधाकर, रिक्शा मत निकालो। बोलता हूं, बेटे जी, हम भी ये बखूबी जानते हैं कि जन्म देने वाली माँ और जतन करने वाली माँ दोनों का दर्जा एक सिरे का है जी, लेकिन तुमने एक बात नहीं बताई जी। पूछिए। कि जन्म देने वाली माँ कौन सी और जतन करने वाली माँ कौन सी है? अरे यार, ये तो डिसाइड करने ही भूल गए। जन्म देने वाली मां वो है जो ताई तरफ खड़ी है, और बाई तरफ है मेरी ताई मां। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.